हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? ठीक, बढ़िया, अच्छे से। वेलकम अगेन टू दिस न्यू ब्लॉग। तो अभी बजे हैं सुबह के 6। तो आज संडे है, तो मैंने इस संडे को कल ही डिसाइड किया था कि इस बार मैं ट्रैकिंग को जाऊं। तो आई हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड। तो अभी मैं निकल रहा हूँ 6 बजे, तो 7 बजे तक मुझे TRC पहुँचना है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम, तो चलिए हम चलते हैं। मुझे जल्दी जल्दी वहाँ पहुँचना है, तो वहाँ पे मिलते हैं, आपसे बात होगी। तो दोस्तों, मैं अभी लोड कैरियर में हूँ। शायद आप मुझे नहीं देख पा रहे क्योंकि अभी अंधेरा है। सुबह के 6 बज के कुछ मिनट, 6 बज के 15 मिनट बजे। तो अभी हमदानिया कॉलोनी में मैं हूँ, तो देखते हैं ये मुझे कहाँ तक ड्रॉप कर सकता है। तो आगे आपसे बात होती रहेगी। तो अभी हम पहुँच गए हैं बिमना बाईपास। तो दोस्तों, अभी आपने देख लिया कि सुबह मैं कितनी जल्दी निकला घर से, और अभी हम यहाँ पे पहुँचे हैं TRC में। यहाँ से ये सब आए हैं, कुछ आए हैं। 7 बजे का टाइम था, बट अभी 7:22 हुआ है एंड हैज़ नो वन। कुछ ही लोग आए हैं, पता नहीं कब तक निकले। तो अब बने रहे, मैं आपको पूरा आज दिखाता हूँ दिन की हालात कैसे रहेंगे, हम कहाँ कहाँ जाएंगे। तो अब बने रहे वीडियो में जब तक हम बोर्डिंग ना कर दें। अभी हम निकले यहाँ TRC से, हमारे पास अभी हम डल गेट में ही हैं। तो हमारे जो पहले डेस्टिनेशन होगी वो नारा नाग तक हमें गाड़ी छोड़ देगी, वहाँ से हमें पैदल जाना है। तो फिलहाल हम डल गेट से निकल गए, तो आप बने रहे। इतनी ठंड है, सारा ग्रुप वहां से। तो ये जो है, ये नारा नाग जगह को कहते हैं। तो यहाँ पे पुराने कुछ खंडरात हैं। तो आप देख लीजिए, यू नो, जहाँ तक मुझे याद है हम यहाँ पे आए थे 2014 में, जब हम अमरसी कॉलेज में पढ़ते थे। तो हम यहाँ हिस्टोरिकल टूर के लिए लाया गया था, तो तब से तो बहुत टाइम हो रहा है। तो अभी हमारी ट्रैकिंग स्टार्ट हो रही है। हम आज बस कुछ ही बंदे हैं यहाँ पे, ज़्यादातर नहीं आए हैं। तो चलिए करते स्टार्ट। चलिए यार, यहाँ से बहुत ज़्यादा ठंड है। तो ट्रैक स्टार्ट हो गया है, अपने ऑलरेडी देख लिया। तो सब आ गए चले गए हैं, बट अभी मैं ही खाली पीछे पड़ा हूँ, सबसे लास्ट में मैं ही हूँ। तो नारा नाग से स्टार्ट होगा आज का ट्रैक, और ये आगे पता नहीं कोई जगह है। टू बी ऑनेस्ट, मुझे उसका नाम नहीं पता, कुछ एक्रोनी मैक्रोनी आई डोंट नो है। तो देखते हैं, 10 किलोमीटर का ट्रैक है आज। तो चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं, मेरे साहब आगे सामने। तो आप फिलहाल ये देख लीजिए, जो यहाँ के पुराने खंड रात है भाई, देख लीजिए, पांडोलाय बोलते हैं इनको। बहुत ठंड है, इट्स फ्रीजिंग फ्रीजिंग कोल्ड।
चलते रहेंगे हम। इतने कपड़े अब चलना बहुत गर्म, बहुत गर्मी लग रही है। देख लीजिए यहाँ से पूरा जंगल। यहाँ पे कितना जबरदस्त मंजर है। अभी हमने 1-2 किलोमीटर निकाल लिए और यहाँ से बर्फ भी आपको दिखाई दे रही है। अभी मुझे नहीं पता कितना चलना है। अब हम चल ही रहे हैं, आगे भी है कुछ ग्रुप के। बट इट्स एग्जॉस्टिंग। बट सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ पे यादें रहती हैं और ऐसी चीज़ें कहीं देखने को नहीं मिलती। थैंक JKMAC का कि हमें ट्रैकिंग पे ले जाते हैं ताकि हम ये नई नई जगह देखते हैं, नया नया चीज़ एक्सपीरियंस करते हैं। हमें ब्रिज क्रॉस करना होगा, छोटा सा ब्रिज। देख लीजिए कितना सुपर्ब ग्रीननेस है, एल्गी की ग्रीननेस है। देख लीजिए इट्स वंडरफुल, इट्स ऑसम। जंगल में गुम हो जाएंगे हम चलते चलते। बट हमेशा मैं क्या करता हूँ कि जब मैं जाता हूँ, लाइक तीसरी ट्रैक है अभी, तो मैं हमेशा पीछे देख लेता हूँ कि पीछे है कोई, कहीं मैं अकेला तो नहीं हूँ। हो सकता है खो भी जाऊं, और लाइक अगर खो जाए तो फिर अल्लाह ही बचाए। इज डेंजरस कि अगर हम अकेले निकले, सो बेटर है कि हमेशा ग्रुप में ही रहे। दोस्तों देख लीजिए इतनी ठंड थी अभी यहाँ पे, बहुत ज्यादा ठंड, और अब धूप भी निकल गई। और ग्रुप आगे है, आधे आगे पीछे, और मैं भी हूँ। इट्स एग्जॉस्टिंग। ऊपर से कपड़ों की वजह से बहुत गर्मी भी होती है, पसीना भी छूट रहे हैं, बट ठंड भी है तो कपड़े साथ तो रखने ही थे। और मज़ा भी है, इस बार तो मैंने बर्फ दिसंबर से पहले देखी, श्रीनगर से पहले ही देखी बाहर, एंड इट फील्स सो गुड। देख लीजिए यहाँ से, इट्स मार्वेलस, इट्स ऑसम हियर, आई लव इट मैन। या यू नो गाइस, जब आप ट्रैकिंग के लिए जाते हैं तो ओबियसली स्टिक उठाना बहुत ज़रूरी है। तो फिलहाल मेरे पास तो स्टिक नहीं है क्योंकि मेरा अभी तीसरा ही ट्रैक है, एंड इन ऑर्डर टू गेट अ स्पोर्ट सो मैंने ये वाली स्टिक उठाई। चलो तो आप बोल, फिलहाल मैं इसी की हेल्प से थोड़ा आगे बढ़ता रहूँगा और देखता रहूँगा कि जो आधे ग्रुप के हैं हमारे वो कहाँ पे हैं। पीछे तो आधे ही है, मैंने उनको भी देख लिया, क्योंकि ऐसे ही नहीं चलना पड़ता, क्योंकि हो सकता है आप खो भी जाए। तो तुम पास पास पकना थे फिलहाल छोटो ब्रह्म, और आई फील सो। इस संसार रास्ते में मैं तो अच्छे से जा रहा था, बट इस कमी ने मेरी जान निकाल दी। मुझे लगा जैसे मुझे खाने वाला है, बट मेरे साथ ही चल रहा था। अब वापस देख लीजिए, इसने मुझे सच में बहुत डरा दिया। देख लीजिए इस बियाबान में ना आगे कोई ना पीछे, बस ये कुत्ता मिल गया था। सुबह क्या शी न्या शी जो क्या, वरना तो सब बोलते हैं हाथी मेरा साथी, बट कुत्ता मेरा साथी। बोला देख लीजिए एक ही आवाज में आ गया। लिटरली आई एम एग्जॉस्टेड।
दोस्तों फाइनली शुक्र आपका कि लगभग मुझे लग रहा है मैंने 4-5 किलोमीटर अकेले निकाले और वो कुत्ता भी था रास्ते में। लाइक मैं थोड़ा डर भी गया था कहीं मैं पता नहीं कहाँ है, कहाँ जाना है वो, बाकी कहाँ है जो मेरे से आगे थे। बस शुक्र आपका कि वो मेरे से आगे ही है, मुझे दिख गए, अब मुझे टेंशन नहीं है। पता नहीं अभी कितना चल रहा है तो देख लीजिए आप आगे चल रहे हैं। तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच गए जगह का नाम क्या था, मार्चोई। 10 किलोमीटर हम चले वहां से नाराना से यहाँ तक, देख लीजिए यहाँ पे कितना स्नो है और पीछे आप देख सकते हैं वहां पे हमारे कुछ साथी हैं 5-6 और हम थोड़ा नीचे आ गए। ये दोस्त है ट्रैकिंग वाले दोस्त वकास, देख लीजिए यहाँ का सुंदर सा व्यू। और जो कुत्ते आपने वीडियो में पहले देखे वो यहाँ पे भी आ गए, देख लीजिए ये दो थे हमारे यहाँ कुत्ते मेरे साथ ही। वाओ, और बहुत ज्यादा प्यास लगी थी। अभी बजे है 1:40 एक्चुअली। तो हमने यहाँ पे लंच करके थोड़ा सा रेस्ट भी कर लिया और यहाँ पे हमारे जो आधा ग्रुप था, आधा से क्या आधा 70% या 80% वो वहाँ पे हट्स में बैठा है जो बकरवाल के हट्स होते हैं। तो बाकी आगे हम यहाँ पे आ गए थे मेन तक, यहाँ से वापस जा रहे हैं। आगे हैं वकास और पीछे भी हैं ये दो बंदे। बिस्मिल चलो दा भैया और हमारा वो साथी आ गया कुत्ता, ये वहां से भी आपने देख लिया कि मेरे साथी था, अब फिर से आ रहा है वकास। मन कर हाय सब्सक्राइबर 5-10 चल रहा था क्योंकि ये जो ग्रुप है ये 5-6 बंदे मेरे आगे थे, बाकी पीछे थे, वो पीछे रह गए, वो आगे नहीं आ पाए, बट ये मेरे साथ चल रहा था। हाय करो इनको, अरे हाय करना कुत्ते। आगे चल ही रहे यहाँ से, ये गुज्जर्स के शर्ट्स है, यहाँ पे बहुत दुआ आ रहा है तो हम देखते हैं यहाँ पे क्या है, चेक करते हैं देखते हैं। यहाँ पे शायद आग जलाई है हमारे ग्रुप वालों ने। तो दोस्तों अभी हम वापस आ ही रहे हैं, चल रहे हैं ट्रैकिंग करके, बस में भी अभी आधे घंटे में पहुंच जाएंगे हम गाड़ी तक। देख लीजिए कितना यहाँ पे खतरा है फिसल जाने का। दोस्तों अभी हम यहाँ पे पहुँच गए दुम्बेल के पास, दुम्बेल ब्रिज भी है, तो फिलहाल हम वेट कर रहे हैं बाकी उस साथी का, क्योंकि यहाँ पे फिर शायद ग्रुप फोटो होगी तो उसके साथ फिर हम निकलेंगे। वो आ रहे हैं, बाकी जो हमारे पीछे थे साथी, बाकी सब यहाँ पे वेट कर रहे हैं। देख लीजिए सब यहीं पे वेट कर रहे हैं,
और वो बाकी भी आ रहे हैं वहाँ से। तो ये इस जगह को दुम्बेल बोलते हैं, ये दुम्बेल ब्रिज है। तो दोस्तों फाइनली हम वहाँ से घूम के पहुँच गए वापस नारानाग। लिटरली बहुत मज़ा भी आया, हमने बहुत दौड़ा भी और इट वॉज सो फन। तो ये है नारानाग के रूइंस। तो हम फाइनली यहाँ पे पहुँच भी गए नारानाग और अब गाड़ियों में भी चढ़ने लगे सब। तो अभी हम निकलने वाले हैं यहाँ से।